अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक हैं, खुश हैं, मज़े में हैं। और आज मैं एक बहुत ही मज़े की वीडियो लेके आई हूँ, जो कि एक्चुअली कलेबरेशन वीडियो है मेरे अलावा 6 और यूट्यूबर्स के साथ, यानी कि टोटल हम 7 यूट्यूबर्स ने मिलके एक वीडियो बनाई है, और जो कि है माय मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। और ये डेली बेसिस पे जो हम अपने अपने घरों में क्लीनिंग करते हैं वो हमने आपसे शेयर की है। और इतने बड़े लेवल पर कि 7 यूट्यूबर्स मिल के वीडियो को कलेब करें, ये आई थिंक पाकिस्तान की यूट्यूब हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम हुआ है, तो या एटलीस्ट मॉम व्लॉगर्स कम्युनिटी में तो डेफिनेटली फ़र्स्ट टाइम हुआ है। तो बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया, और इस वीडियो को बनाने में बहुत शुगर लगा, हंसे खेले इंजॉय किया। और हमारा एक अपना ग्रुप बना हुआ, उसमें हम गपशप लगा रहे थे, इंजॉय कर रहे थे, खेल हंस खेल रहे थे, और साथ साथ जो है वीडियो पे काम चल रहा था। और काफ़ी मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में हम सब की, क्योंकि हर कोई डिफरेंट कंट्री की है यहाँ पर, और जो ये इस क्लैब में है, और हर एक की टाइमिंग अलग अलग है, और हर एक की जो है ना वीडियो का अपना अपना बनाने का तरीका है, और किस दिन कब क्लीनिंग करनी थी सब वो अलग अलग था, एक टाइमलाइन डिसाइड हुई थी, फिर उसके मुताबिक जो फिर हम लोगों ने बाकी जो वीडियो की डिटेल्स थी, छोटी 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 डिटेल्स, वो हम ग्रुप में शेयर करते थे और उसके अकॉर्डिंगली हम काम करते थे। तो हम सब ने बहुत मेहनत की और फिर एक ही दिन उसको अपलोड किया, एक ही दिन उसको पब्लिश किया, तो काफ़ी इंजॉय भी किया। और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी कलैब वीडियोज आपके साथ आती रहेंगी, आपके पास आती रहेंगी। आपको याद है कि मैंने एक शाउट आउट वीडियो बनाई थी, और वो वीडियो जो है उसके बाद हम लोग की आपस में सबकी दोस्ती हुई है, और इतनी मज़े की दोस्ती होगी कि मुझे एक आइडिया आया कि यार कलैब करते हैं, बहुत मज़ा आएगा, और आप सबको देखने में भी बहुत मज़ा आएगा, और हमने तो बनाने में भी बहुत इंजॉय किया। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से जो है ना, हर कोने से एक एक व्लॉगर हैं जो मेरे साथ हैं इस कलैब में। मैं आपको उनके नाम बताती हूँ, एक तो मैं हूँ नौश व्लॉग्स, जो कि हूँ सऊदी अरब से, और एक है मेरी बहन बुशराज लाइफ फ़न एंड किड्स व्लॉग्स, वो हैं पाकिस्तान लाहौर से, और सिंगल मदर्स लाइफ इन पाकिस्तान, वो भी पाकिस्तान लाहौर से हैं। उसके अलावा हैं जी रूही खान व्लॉग्स यूके से, और हनी व्लॉग्स कुवैत से, माय दुबई लाइफ सीक्रेट्स दुबई से, और पाकिस्तानी बहरेनी व्लॉगर बहरेन से। तो आप ये देखें कि कितने डिफरेंट कंट्रीज़ हैं, जो सारी जो हम व्लॉगर्स हैं सब यूट्यूबर्स के जो है ना लिंक्स वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट वीडियो लिंक्स सबके मिलेंगे, तो आप जो है वो एक लिंक पर क्लिक करें और वो वीडियो देख के उसके नीचे भी आपको यही लिंक्स नज़र आएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक क्लिक कर करके आप बारी बारी सबकी वीडियोज जाके देख सकते हैं, आपको वापस एक वीडियो पर के दोबारा से लिंक्स नहीं ढूंढने पड़ेंगे। तो बहुत मज़ा आएगा आपको, आई होप आप बहुत इंजॉय करेंगे, आई एम प्रीटी श्योर आप बहुत इंजॉय करेंगे। और हम सबको कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारी एफर्ट के बारे में भी बताएं कि आपको कैसी लगी और ये वीडियो कैसी लगी, और फ्यूचर में आप अगर कोलैब्स देखना चाहेंगे तो वो किस टाइप की कोलैब देखना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा। और चलिए चलते हैं, आज की जो कोलैब वीडियो है वो है माय डेली मॉर्निंग क्लीनिंग रूटीन। तो जो मॉर्निंग में हम क्लीनिंग करते हैं वो सब हम आपसे शेयर करेंगे कि मॉर्निंग में हम क्या क्या काम करते हैं और किस किस तरह से हम अपने घर को क्लीन करते हैं डेली बेसिस पे। तो चलिए देखते हैं, और ज़रूर हम सबके चैनल्स को सब्सक्राइब करें अगर अब तक नहीं किया, और प्लीज़ हमें कमेंट करके बताओ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमें बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरी मॉर्निंग स्टार्ट होती है एक हेल्दी और यमी किस्म के ब्रेकफास्ट के साथ। मोस्टली मैं लेती हूँ लबना ब्रेड, और लेकिन आज मैंने लिया था ये सीरियल विद बेरीज, और ये कैलॉग्स का सीरियल है और मुझे ये बहुत पसंद है। इसको मैं लो फैट मिल्क के साथ लेती हूँ और बहुत ही मज़े का होता है। और मैंने डिसाइड किया है कि आप सबको चूँकि इतना शौक है कि मैं लबना जो खाती हूँ वो टेस्ट में कैसी है, आप भी ट्राई करना चाहते हैं, और ज़्यादातर पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जहाँ पर उनको लबना इतनी ईजीली नहीं मिलती है, तो मैंने सोचा कि मैं आपको घर पर लबना बनानी सिखाऊँ। तो उसकी रेसिपी आपको नौश किचन रूटीन चैनल पर इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी। और ब्रेकफास्ट करते करते मैं चेक कर लेती हूँ कमेंट्स और उनके रिप्लाई कर देती हूँ और मैसेजेस वगैरह रीड कर लेती हूँ, और यही मेरे पास टाइम होता है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स मैंने ब्रेकफास्ट से पहले लंच प्रिपेयर कर लिया होता है, और लेकिन जब बहुत ज़्यादा भूख लगे तो पहले मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और उसके बाद जो है वो लंच की तैयारी शुरू करती हूँ। और अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम हो तो साथ साथ यूट्यूब पर डिफरेंट हम टीवी के ड्रामास वगैरह, जिस तरह के आजकल मेरा फेवरेट बना हुआ है एक तो झूठी, और
और दूसरा है प्यार के सदके। ये दो ड्रामा जो है ये मैं बहुत देखती हूँ शौक से। तो बस ये सब चल रहा है और साथ साथ हो रहा है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट करने के बाद अपने डिश वॉशर को अनलोड कर देती हूँ। रात में सोने के टाइम पे डिश वॉशर ऑन कर देती हूँ और उसका साइकिल रन होता रहता है और ख़ुद ब खुद जब ऑफ हो जाता है तो बर्तन अच्छे से ड्राई हो चुके होते हैं। और मॉर्निंग में ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अपना डिश वॉशर जो है उसको भी एम्प्टी करूँ और जो डिश ड्राइंग रैक है उसमें भी जो बर्तन रखे हैं धो के वो मैं वापस कैबिनेट्स में रख दूँ। ज़्यादातर जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं वो मैं हाथ से धो लेती हूँ, कंटेनर्स वगैरह। तो जो इस तरह से बर्तन होते हैं ये मैं डिश वॉशर में डाल लेती हूँ सिलेन वगैरह के। तो बहुत इजी रहता है क्योंकि अगर आपका डिश वॉशर या अगर आपके पास डिश ड्राइंग रैक है अगर ये खाली होते हैं तो सारे दिन में अगर आपके बर्तन इकट्ठे होते हैं तो साथ साथ आप धो के उनको वापस रखते जाते हैं। नहीं तो क्या होगा कि सिंक में बर्तन ही बर्तन पाइलअप होते जाएंगे और फिर किचन जो है ना वो एक मेस बनता जाएगा और काम करने का ना तो मज़ा आता है और ना ही जल्दी काम हो सकता है, बहुत देर लग जाती है। और फिर उसके बाद जब आप काम करके थके होते हैं और इतने सारे बर्तन एक साथ धोने पड़े तो फिर और ज़्यादा थकावट फील होती है। ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है कि मॉर्निंग में मैं अपने ये दोनों रैक्स जो हैं ये खाली कर दूँ। और जो डिश ड्राइंग रैक है इसको भी मैं खाली कर लूँगी क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन होते हैं जो हाथ से धो के इसमें मैंने रखने होते हैं तो मुझे इजी रहता है कि अगर ये भी मैं खाली कर दूँ। और बर्तन जो है वो उनको प्लेस पे रखने में कोई इतना टाइम नहीं लगता है लेकिन सुबह सुबह ही अगर आपको हर चीज़ प्रॉपरली आपने अरेंज की हो ना तो फिर सारा दिन बहुत आसानी से गुजरता है। मैंने नोट किया कि जिस दिन मैं इस तरह से रैक्स वगैरह और अपना डिश वॉशर खाली ना करूँ उस दिन तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, फिर बर्तन बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं, वॉश करके उनको समझ में नहीं आता कि कहाँ रखूँ। फिर मैं शेल्फ्स को एक दफ़ा क्लीन कर लेती हूँ बस सामने सामने से क्योंकि जो नाइट होती है उसमें मैंने थॉरली इसको क्लीन किया होता है और पूरे दिन के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी उसको ज़रूरत होती है कि एक दफ़ा प्रॉपर क्लीनिंग कर दी जाए। तो मॉर्निंग में सिर्फ जितनी सी मुझे ज़रूरत होती है, अगर मुझे लगता है कि कोई क्रम्स वगैरह गिर गए हैं कहीं दूर दूर तक तो फिर मैं ये वाली चीज़ें उठा के प्रॉपरली क्लीन करती हूँ, अदरवाइज़ मैं सामने सामने से क्लीन कर देती हूँ। तो जो मैंने स्प्रे यूज़ किया है वो है डेटॉल का ऑल पर्पज़ क्लीनर और मैं इसकी हमेशा से यही यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छी तरह से शेल्व्स एक तो शाइन आ जाती है और जर्म फ्री भी हो जाती हैं। और साथ में मैं यूज़ करती हूँ टिश्यूज़ क्योंकि पहले मैं क्लॉथ यूज़ करती थी लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है फिर नेक्स्ट टाइम ड्राई होने के लिए, तो फिर इस वजह से मैंने टिश्यू यूज़ करने स्टार्ट कर दिया और मुझे कन्वीनियंट रहते हैं यूज़ करके मैं उनको डिस्कार्ड कर सकती हूँ। कुछ लोग किचन क्लीनिंग वाइप्स का भी इस्तेमाल करते हैं वो और भी कन्वीनियंट रहती हैं लेकिन मैं टिश्यू से काम चला लेती हूँ। उसके बाद टर्न आती है फिर स्टोव टॉप की और आपको पता है कि इसके ऊपर मैंने फॉइल लगाई होती है जिस वजह से मुझे उसकी बहुत डीप क्लीनिंग नहीं करनी पड़ती है। डीप क्लीनिंग सिर्फ वीक में मैं एक बार करती हूँ जब मैं फॉइल को चेंज करती हूँ, उसके अलावा मैं जस्ट ये स्प्रे करके तो जो भी ऑयल वगैरह होता है या कोई भी फूड रेजिड्यू को इसके ऊपर होता है तो उसको मैं अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और जो जानना चाहेंगे कि ये मैंने कैसे फॉइल लगाई है तो नॉश किचन रूटीन पे इसके बारे में डिटेल में वीडियो है और मैं ये फॉइल क्यों लगाती हूँ और क्या इसको आग लग जाती है या नहीं, इन सारे सवालों के जवाब मेरी उस वीडियो में है, मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। एक क्वेश्चन का जवाब जो आई थिंक उस वीडियो में मैंने नहीं दिया वो ये था कि आपकी जो फॉइल है इतनी प्लेन कैसे होती है, मेरी फॉइल पे तो बहुत रिंकल्स होते हैं। तो भाई अगर रोज़ साफ़ होगा चूल्हा तो वो एक हफ्ते तक तो नीट नीट लगेगी ही, जब मैं भी नई नई डालती हूँ तो वो भी रिंकली होती है लेकिन रोज़ाना जब साफ़ करते हैं तो वो हो जाती है
बिल्कुल फ्लैट हो जाती है। आई थिंक आप उसको चेंज भी जल्दी जल्दी कर लेती होंगी ना, तो उसको फ्लैट होने की नौबत नहीं आती। मैं तो उसको वीक में एक बार चेंज करती हूँ, तो तब तक वो अच्छी खासी फ्लैट हो चुकी होती है। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया है, फाइबर क्लॉथ है आई थिंक, और इससे मैं जो जो मेरे फर्नीचर वगैरह है बेसिक बेसिक उसकी जिसकी डेली क्लीनिंग होती है वो मैं इससे कर लूँगी। जैसे कि ये मेरी चेयर्स हैं। वैसे डेली बेसिस पे इतनी ज़रूरत नहीं होती कि हर चेयर को भी क्लीन किया जाए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल किचन के साथ ही जो लॉन टाइप है मेरा बना हुआ, तो वहाँ से मैंने हर वक्त दरवाज़ा खोला होता है तो ठंडी हवाएं तो आती हैं, लेकिन साथ ही साथ में मिट्टी भी जो है वो हल्की हल्की सी डस्ट आती रहती है। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि किचन को तो ये हर चीज़ को डेली बेसिस पे प्रॉपरली क्लीन किया जाए। और वो सब एरिया करने के बाद भी जो अप्लायंसेस हैं एक बार उनको हल्का सा क्लीन कर लेती हूँ। सामने सामने कोई भी डस्ट नज़र आ रही होती है या कोई भी स्टेन किसी किस्म का नज़र आता है तो मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। और इस क्लॉथ पे भी मैंने हल्का सा स्प्रे किया होता है डेटॉल का, और साथ साथ डिसइनफेक्ट होता जाता है। और ख़ास तौर पे ये जो फ्रिज है ये तो मिशारी बहुत यूज़ करता है और दिन रात यूज़ करता है, तो फिर डेली एक बार इसको मैं एंटीबैक्टीरियल से क्लीन कर देती हूँ। और ये जो रूटीन की क्लीनिंग है किचन की, इससे जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं किचन का दरवाज़ा खोलती हूँ। उस वक्त तक बड़ी अच्छी सी सुबह हो चुकी होती है, ठंडी ठंडी सी हवा पड़ती है चेहरे पे और बर्ड्स बोल रहे होते हैं, नीचे ग्रीन घास होती है, ऑल तो आर्टिफिशियल है बट लश ग्रीन, और ऊपर जो है इतना प्यारा ब्लू कलर, और बर्ड्स की आवाज़ें, मतलब बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है, बहुत मज़ा आता है। और ये 2 मिनट का जो सुकून है ना, ये पूरे दिन की जो है ना मुझे एक्टिव कर देता है पूरे दिन के लिए। तो ये सारी बेसिक क्लीनिंग हो चुकी है डेली बेसिस पे जो करनी होती है, और अब मैं जो लॉन्ड्री है वो कर लूँगी। मैंने वॉशिंग मशीन में वो वाले सारे टॉवल्स डाल दिए हैं कि जो कि मेरे पिछले एक दिन से थे इकट्ठे हुए हुए, और इनको मैं वॉश कर लूँगी। लॉन्ड्री मुझे लगता है कि डेली बेसिस पे कर लेनी बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि आजकल तो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, बस बस सर्फ डाला या लिक्विड आपने यूज़ करना है वो डाला और बस ऑटोमेटिकली कपड़े धुल के सामने आ जाते हैं और बस आपने उनको ड्राई करना है। इवन ड्रायर्स तक भी मिलते हैं, खैर मेरी मशीन में ड्रायर नहीं है तो स्पिन हो जाते हैं और उसके बाद मैं इनको हैंग कर देती हूँ ड्राई होने के लिए। और डेली बेसिस पे करने से ये फ़ायदा होता है कि कपड़े भी पाइल अप नहीं होते। और उसके बाद ये बाहर जो बेसिक बेसिक डस्टिंग है वो मैं कर दूँगी। ये मेरा मिरर है जो कि एंट्रेंस पे ही सिंक के साथ लगा हुआ है, तो इसके ऊपर काफ़ी छींटें बन जाती हैं क्योंकि मिशारी और तिहामी वगैरह यहीं भी टूथब्रश करते हैं, और इस वजह से काफ़ी इस पे स्टेन्स हो जाते हैं, और क्लीन कर लेती हूँ डेली बेसिस पे। और ये कुछ दिन पहले मैंने डेन्यू पे ये वाली ट्रे देखी थी, ये 177 रियाल्स की थी, जबकि मैंने ये एक कुल्लू शाही शॉप से ली है ओनली 10 रियाल्स की। ऑब्वियसली क्वालिटी का थोड़ा फ़र्क तो है बट हु केयर्स, अच्छी तो लग रही है, नीचे मिरर है और उसके ऊपर जो है ये गोल्डन कलर के सारे जो ट्रे है बहुत मुझे प्यारी लगती है। और ये जो फ्लावर्स हैं ये भी जो पूरा क्या कह सकते हैं कि पॉट है, ये मैंने 5 रियाल का लिया है, और ये जो कैंडल्स हैं ये मैंने सिटी मैक्स से ली हैं, ये भी आई थिंक 5 या 10 रियाल्स ईच थी, सेल पे थी, तो बहुत प्यारी इनकी खुशबू है। और इनको मैंने ऑन कर दिया है और ये एरिया हो गया है बिल्कुल क्लीन। और बाकी ये जो स्टेयर केस होता है ना, ये भी मैं डेली बेसिस पे करती हूँ और एंटीबैक्टीरियल से करती हूँ, क्योंकि मिशारी जो है वो हर जगह पहुँचा होता है, तो मुझे लगता है कि कभी कभी जर्म्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं ऐसी जगहों पे जो फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती है। मिशारी की जो ये हाई चेयर की ट्रे है ये मैंने वॉश करके रखी होती है, लेकिन मॉर्निंग में एक बार इसको भी मैं डिसइनफेक्टेंट से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा वहम रहता है कि कोई डस्ट वगैरह ना इसके ऊपर बैठी हो। और फिर सुबह सुबह ये कर्टन्स परे करके जब
बिल्कुल, कहते हैं कि एक ब्राइट सी लाइट अंदर आती है ना और फ्रेश एयर आती है तो बहुत अच्छी सी फीलिंग होती है। और यही तो अच्छा वेदर है, जब सख्त गर्मी हो जाएगी तो फिर कहाँ ये मज़े होंगे। और ये मैंने अपने आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं, ये पॉट्स मैंने 5 रियाल ईच लिया हुआ है और ये मैंने यहाँ पर बाहर रख दिए हैं, और जब मैं विंडो खोलती हूँ तो बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है, ऐसे बिल्कुल स्प्रिंग की फीलिंग आती है। ग्राउंड फ्लोर मेरा क्लीन हो चुका है और मैं इसमें अच्छा सा ये एयर फ्रेशनर कर दूंगी। मेरे पास 3 to 4 एयर फ्रेशनर्स हैं और बखूर भी है, तो जिस वक्त जो दिल करे वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ज़्यादातर मुझे फ्लोरल फ्रेग्रेंसेस बहुत पसंद हैं, अपने लिए भी और हाउस के लिए भी। तो बस ये काम मैं डेली बेसिस पे करती हूँ, और पॉट पूरी में भी स्प्रे कर देती हूँ, कर्टन्स पे स्प्रे कर देती हूँ, तो बस फिर गुड टू गो हूँ पूरे दिन के लिए, घर जो है वो सेट हो गया। और बाकी ऊपर के फ्लोर पे भी बच्चों के रूम वगैरह सेट करती हूँ, अपना रूम सेट करती हूँ, और लेकिन बच्चे अपने अपने रूम में सो रहे थे तो इस वजह से मैंने वो पोर्शन नहीं दिखाया है, लेकिन वो भी मेरी डेली क्लीनिंग रूटीन का हिस्सा होता है। डस्टिंग वगैरह वहाँ पर डेली नहीं करती, वहाँ पर वीक में एक बार मैं कर लेती हूँ और एक बार मेरी मेड आके वो कर लेती है, तो बस ऊपर इनफ होता है क्योंकि ऊपर इतनी डस्ट नहीं जाती है। तो इसके साथ ही इस वीडियो को मैं करूंगी एंड। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और हम सब ने ये बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है। ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कॉमेंट करें, लाइक करें, और मुझे ज़रूर बताएं कि आप और किस तरह की वीडियोज़ देखना पसंद करेंगे। और इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। हम सबको दुआओं में याद रखें रखिएगा और अल्लाह ताला आपकी भी सब दुआएं पूरी करें, और ये कोरोना वायरस से बिल्कुल परेशान नहीं होना है, बस नमाज पढ़ते रहनी है हम सब ने, बावजू रहना है, अल्लाह से दुआ करती रहने हैं, तो इंशाल्लाह हम सेफ रहेंगे और प्रिकॉशंस जो भी डॉक्टर्स बताते हैं वो हमने लेनी है। तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। With you, everything's complete. Do you know how much I love you?